अलीगढ़ में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह के बेटे सहित 8 पर डकैती और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। बरौली से बीजेपी विधायक दलवीर सिंह के रिश्तेदार पर हमला कर फायरिंग करके चैन व घड़ी छीनने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अलीगढ़ में बरौली विधानसभा से दलवीर सिंह के बेटे राकेश कुमार सिंह के साड़ू राजकुमार सिंह निवासी प्रतिभा कॉलोनी अपनी स्कॉर्पियो कार से रॉयल रेजेंसी में शादी समारोह में आए थे। रात्रि करीब 11 बजे पीछे से दो गाड़ियां हूटर बजाते हुए आईं। रास्ते में जाम लगने से राजकुमार की स्कॉर्पियो रुक गई थी। दोनों गाड़ियों में से रघुराज सिंह के बेटे नरेंद्र प्रताप उर्फ नीशू के साथ 8 अन्य लोग थे। सभी लोगों ने राजकुमार के साथ मारपीट की, किसी भारी चीज से सर में चोट भी मारी। आरोप है कि खून देखकर हमलावर गाली गलौज करते हुए मौके से निकल गए। राजकुमार सिंह का आरोप है कि आरोपियों ने चैन घड़ी छीन ली व जान से मारने की नियत से फायर भी किया। शोर शराबा सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंच गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पीड़ित की तहरीर पर मन्ना देवी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस सीसीटीवी कैमरों की तलाश कर रही है। बन्ना देवी में आया था सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रघुराज सिंह मंत्री हैं, उनके बेटे ने मार दी थी, क्या है सर प्रॉब्लम? नहीं देखिए, ये एक राजकुमार जी हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था, तो एप्लीकेशन के आधार पर मुकदमा बन्ना देवी थाने में पंजीकृत कर लिया गया है। वो विवेचना उसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। 7 सेंकड़ों की कार्रवाई और उसमें अनुसंधान की कार्रवाई करने के बाद से जो तथ्य एवं साक्ष्य सामने आएंगे उसी हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी।